फलाने के नाम दर्ज किया जाता है, ऑर्डर हो गया। और उसके बाद ये काफी बनी बात है। अब जब उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, कब्जा कर लिया, कर लिया भगा दिया आप लोगों को। अच्छा वही बात, आपको खुद आप कैसे भाई बंधु हमारे हैं, पत्रकार महोदय हैं। अरे कर लिया का मतलब कर लिया है। पश्चर गैलैंड किसकी, हमारी थोड़ी थी, पश्चर गैलैंड ग्राम सभा की पशुओं की चारागाह की लैंड होती है, समझ चुका वो व्यक्ति विशेष। तो हमको क्यों मंगा देंगे, हम तो रहते थोड़े गए थे वहाँ, हम तो अपने घर में रहे। आप इनकी तरफ से आए हैं तो कहने का मतलब आपको इंडिविजुअली नहीं कह रहा हूँ, मीन्स आप लोगों को कब्जा कर लिया बाकायदा, उसमें उन्होंने अपना फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। और बाप ये जो है पश्चर तालाब भूमि चुका थे, 6 एकड़ भूमि की, ठीक है। बाबा जी का जहाँ पे आश्रम है, आश्रम बाबा जी का 40 साल पुराना है, उस पे उसी व्यक्ति ने, अब चूंकि वही परिवार सब कुछ है, बाबा के आश्रम को जो थर्ड पर्सन में पट्टा करा दिया। अब ये मेन बात आई है, आप समझ रहे हैं। और अब वो जो है वो पट्टा भी करा दिया, अब वो बाबा को डिस्पोजेस करके हटाइए, मंदिर फंदिर फंदिर तमाशा हटाइए, उस प्रधान ने पट्टा करा दिया। अब मेन और पश्चर भूमि जो है वो अपने नाम स्वयं कराया है, मिलसी ने अपने नाम, अपने बहू के नाम, मिलसी महोदय ने पश्चर भूमि को अपने नाम कराया। ये इनकी संपत्ति जो थी, इसके 40 साल बनाए गए हैं, केवल ये जनता को दिखाने के लिए बनाए गए। यहाँ से मुख्यमंत्री महोदय को पोर्टल पे डाला गया, वो सीधे डीएम महोदय सीधे लेखपाल को भेजते, कानून को भेजते, कानून को लेखपाल भेजते, लेखपाल ने कह दिया इस्लाम की कोई जमीन ही नहीं, बस काफी है, मतलब जमीन थी कि नहीं, कि आप इसे गए फलाटे के यहाँ रहते थे कि नहीं, उसी के यहाँ रहते ही नहीं थे, आप रोज वहीं रह रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को कोई देखने वाला नहीं है कि लेखपाल ने जो कह दिया वही सही, आप पैदा ही नहीं हुए, नहीं पैदा हुए थे, लेखपाल ने लिख दिया पैदा हुए। अब उसकी रिपोर्ट को कोई ये नहीं कहने वाला, नहीं जो वो तो प्रत्यक्ष वहाँ रहते हैं, वो है मौजूद, आज भी जीवित है, अपना कार्य कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, ये कोई नहीं कहने वाला, बल्कि तो आप लोगों को इबादत की आयत है कि आप लोग इस सत्यता को बड़े पैमाने पर प्रकाशित करेंगे तो सरकार शासन सत्ता प्रशासन लोग हिलेंगे। ऐसा नहीं है, आज भी जो है हमारा अपना मानना है, अधिकारी पहले स्तर पर डरता है तो पत्रकार को, प्रेस को, कि वो कहां से कहां हमारी बात को पहुंचा देगा, फिर हम बच नहीं पाएंगे। उसके बाद कानून को डरता है।